ओके okay, जी आ, अब बुलाते हैं फयाज गफूर को गफूर नाम है ना सही बोल रही हूँ ना अच्छा यू यू गाइस आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड क्योंकि अगर आप वक्त ज्यादा अगर ज्यादा लेते हैं तो दूसरे का वक्त कम हो जाता है क्योंकि मुझे ब्रेक हर चीज टाइम के हिसाब से होती है जी आपका वक्त शुरू होता है अब बलोचिस्तान से कराची का तवील सफर मैं तकरीर करने नहीं बल्कि अपनी दिलेरों की दास्तानें सुनाने आया हूं सदर अली वकार कि मुसरत भूख तहफ और शहवत जिंस को जिस तरह रब अकबर ने इंसानी जबलत का हिस्सा बनाया ऐसे ही सदर अली वकार ईसार कुर्बानी और जुर्रत के जज्बे से नूहे इंसानी को नवाजा ताकि ये लोग यूं ही हमेशा गुलशन की मुहाफिज बनते रहे सदरे अली वकार गुलशन मैदान करबला मुहाफिज हुसैन इब्ने अली इसकी वो जिंदा मिसाल है जिसे अगर मुहर्रक का कलम फरामोश करना भी चाहे तो सड़कों की जुबा और बहत्तर की सदाए उसकी गवाही में चीख उठे सदरे अली वकार गुलशन जुनूबी अफ्रीका का कि जहां बढ़ती हुई नस्ली असीबियत जिस जहां बातिल खुदाओं से जंग लड़ने वाला मुहाफिज टीपू सुल्तान गुलशन जात तारिक बिन जिहाद, जिसकी गवाही साहिल पे खड़े कश्तियों की रात गुलशन पाकिस्तान कि जहां जुल्म के खिलाफ नजबे लिखने वाला मुहाफिज हबीब मुहाफिज और फराज ये सदाए बुलंद करते हैं कि तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हो हम दो के सफेद चीर दिया करते हैं हमें मिलता है वहीं से शहादत का सबक जब हम माओ के गोद में दूध पिया करते हैं जब हम माओ के गोद में दूध पिया करते हैं सदर आली वकार ये बात अजल से तय है कि जुल्म ना इंसाफी और दुख जितनी बढ़ जाती है कुदरत भी दिलेरी उतनी ही वाफिर अदा करती है जीवाकार ऐसा लगता है कि इस 22 करोड़ वाले मुल्क में कुदरत ने सबर, सबर का एक मुकम्मल सहीफा नाजिल किया है जीवाकार दिलेरी का सहीफा तो यह है कि जब यहाँ सैलाब से बलोचिस्तान और पंजाब टूट जाते हैं कट जाते हैं मिट जाते हैं तो जफर अब्बास उनको खाना खिलाते रहते हैं आप सबकी जमातों का बहुत बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया